सुप्रभात, मैं धनंजय कुमार माथुर वर्ग नवम के लिए हिंदी कविता में रसखान द्वारा रचित सवैये को पढ़ाने जा रहा हूँ। सवैये एक छंद है और रसखान जी श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। हम लोग पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं, अतः कवि यहाँ अपने पुनर्जन्म में जो जिस जन्म में वह जन्म लेना चाहते हैं वे अपने आराध्य देव श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, अगर मेरा जन्म मानुष हो तो, यानी कि अगर मनुष्य रूप में मेरा जन्म हो तो ब्रज गोकुल के ग्वारन, यानी कि ब्रज में गोकुल के ग्वारन के बीच भी मेरा जन्म हो, और अगर मेरा जन्म पशु योनि में हो, अगर मेरा जन्म पशु योनि में हो तो नंद बाबा के गायों के बीच भी मेरा जन्म हो, जिसे श्री कृष्ण जी बचपन से चराया करते थे, यानी कि श्री कृष्ण के हर रूप में वह अपना सानिध्य पाना चाहते हैं, उनकी परम इच्छा है। और आगे कहते हैं कि अगर पत्थर रूप में पाहन, मतलब पत्थर पाहन हो तो वही गिरी मतलब पर्वत को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, या श्री कृष्ण जी जब गोकुल वासियों की रक्षा हुए किए थे, ये अपने अंगुली में धारण कर गोवर्धन पर्वत कर गोकुल वासियों की रक्षा, वृंदावन वासियों की रक्षा किए थे, तो यहाँ रसखान जी कहते हैं कि अगर पाहन रूप में पत्थर रूप में मेरा जन्म हो तो मेरा बसेरा गोवर्धन पर्वत में स्थित पत्थरों के बीच ही कर दीजिए, क्योंकि उसे श्री कृष्ण ने धारण कर गोकुल वासियों की, वृंदावन वासियों की रक्षा किए थे। जो खाग हो तो अगर पक्षी योनि में मेरा जन्म हो तो वसेरा करो, मैंने घोसला बना देना, कालिंदी या यमुना नदी के लिए प्रयुक्त हुआ है, कुल किनारा कदम की कारण, यानी कि यमुना नदी के किनारे जो कदम का पेड़ है उसमें मेरा घोसला बना देना, यानी कि बचपन में श्री कृष्ण कदम की पेड़ में बहुत सारे लीलाएं किए हैं। तो रसखान जी कहते हैं कि अगर मेरा पक्षी योनि में जन्म हो तो मेरा बसेरा मेरा घोसला वही बना देना, ये उनकी परम इच्छा है। बच्चों, यहाँ जो है अलंकार का प्रयोग किया गया है, कालिंदी कुल कदम की डार, यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, क की आवृत्ति हुई है और कालिंदी या यमुना नदी के लिए प्रयुक्त किया गया है। ये इस तरह से रसखान जी अपनी इच्छा को अपने प्रभु श्री कृष्ण को जताते हैं। अगले क्लास में मैं इसका दूसरे भाग को पढ़ाऊंगा। आज मैं यहीं अपना क्लास समाप्त करता हूं। अच्छा लगे तो कमेंट करना, रोल नंबर लिखना नहीं भूलना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।